हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक रेसिपी काफ़ी दिन के बाद। तो फ्रेंड्स, पनीर एक ऐसी चीज़ है जिससे काफ़ी ज़्यादा शाही डिशेस बनाई जा सकती है, जैसे मटर पनीर हो गया, पनीर बटर मसाला हो गया, कढ़ाई पनीर हो गया, पनीर लबाबदार हो गया। आज मैं आपके लिए एक ऐसी ही रेसिपी लेकर आई हूँ जो है पनीर लबाबदार की। तो फ्रेंड्स, पनीर लबाबदार आपको वैसे तो हर रेस्टोरेंट में, हर ढाबे पे मिल जाएगा, अवेलेबल रहता है, पर आप घर पे किस तरह से बना सकते हैं बहुत ही कम टाइम में, तो वो मैं आज आपको बताऊंगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, रेसिपी अच्छी लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक बर्तन ले लिया है, कढ़ाई ले ली है, उसको मैंने गैस पे रख दिया है, और जैसे ही कढ़ाई हमारी गर्म होगी तो मैंने उसमें थोड़ा सा घी डाल दिया है, बिल्कुल थोड़ा सा। आप घी की जगह बटर और मस्टर्ड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, टोटली आप पे डिपेंड है। तो जैसे ही घी गर्म हो गया, मैंने इसमें डाल दिया थोड़ा सा जीरा और काली मिर्च और दो लौंग। तो उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज। तो प्याज को मैंने रफली चॉप किया है, ये दो बड़े साइज़ के प्याज है, और उसके बाद हम इसको थोड़ा सा सॉटे करेंगे। और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए हैं काजू, तो काजू की क्वांटिटी 10 से 12 काजू है ये। तो इसकी क्वांटिटी आप अपने पे डिपेंड कर सकते हो, आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं टमाटर, जो दो बड़े साइज़ के टमाटर हैं, और इनको भी मैंने रफली चॉप किया है। तो बस हम इसको भी अच्छे से सॉटे कर लेंगे थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। अपने टेस्ट के अनुसार आप इसमें नमक डाल सकते हो। और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर दी है, जिससे कि हमारी ग्रेवी का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। तो ये देखिए, ये सॉफ्ट हो चुके हैं, और अब हम गैस बंद कर देंगे और इसको पीस लेंगे। तो मैंने इसको मिक्सर जार में निकाल दिया है, तो अब हम इसकी प्योरी बनाते हैं। तो ये देखिए, ये इसकी प्योरी बनकर तैयार है, और कलर देखिए कितना ऑसम आया है। और अब हम फिर से एक कढ़ाई लेंगे और उसमें हम घी डाल देंगे, और आप जितना घी खाते हो कम या ज़्यादा आप उतना डाल सकते हो। और उसके बाद इसमें मैंने डाल दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, तो आप इसमें रेडीमेड पेस्ट भी डाल सकते हैं अदरक लहसुन का। और जैसे ही ये थोड़ा मतलब भून जाएगा, तो इसमें हम फिर से थोड़ी सी रेड चिल्ली डाल देंगे, कश्मीरी लाल मिर्च, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और गैस की फ्लेम हमें स्लो रखनी है, और उसके बाद हम जल्दी से इसमें ये प्योरी डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम बिल्कुल हमारी लो है, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम इसको। तो जब ये मिक्स हो जाएगा, तो उसके बाद हम इसमें डालेंगे मसाले। तो अभी मैंने इसमें डाल दिया है धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और उसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें थोड़ा सा गरम मसाला, और साथ ही साथ थोड़ा सा नमक डाल देंगे। तो ध्यान रहे, नमक हमने पहले भी डाला है तो हम थोड़ा ही डालेंगे, और उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, क्योंकि हमारी ग्रेवी काफ़ी थिक है, तो इसलिए हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, ताकि मसाले अच्छे से इसमें ग्रेवी के साथ पक जाएं। और अच्छे से चला लेंगे एक दो मिनट हम इसको, और ये देखिए हमारी ग्रेवी बॉयल आ चुका है। तो अब हम यहाँ पे एक चम्मच शुगर इसमें ऐड कर देंगे, और उसके बाद हम इसमें देखिए, और फिर हम इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देंगे, इससे टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है, तो कसूरी मेथी इसके लिए बिल्कुल ज़रूरी है। और उसके बाद हम इसमें थोड़ी सी मलाई ऐड कर देंगे, आप इसकी जगह कुकिंग क्रीम भी डाल सकते हैं, और ये दोनों चीज़ ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं डाल सकते हैं। और उसके बाद मैंने पनीर को थोड़ा सा ग्रेट कर लिया है, और उसको फिर हम इसमें ऐड कर देंगे इस तरह से, देखिए, और फिर इसको अच्छे से हम ग्रेवी के साथ मिक्स कर लेंगे।
गैस की फ्लेम अब इस स्टेज पे मैंने हाई कर दी है। और उसके बाद मैंने ये पनीर लिया है जिसको मैंने ट्रायंगल शेप में काट के रखा है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए इस तरह से, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एकदम हाई फ्लेम पे हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे। तो बस ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है और हमारी सब्जी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और गैस अब हम बंद कर देंगे और उसके बाद सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए ये हमारा पनीर लबाबदार बनकर तैयार है और ऊपर से मैंने थोड़ा सा इसमें ग्रेट किया हुआ पनीर ऐड कर दिया है। तो कैसी लगी आपको रेसिपी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बाय बाय।